नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गेमा ट्रेडिंग में। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं यानी आप शेयर मार्केट को अच्छे से सीखना एवं समझना चाहते हैं, आपको बता दें कि यह चैनल पूरी तरह से शेयर मार्केट से रिलेटेड है, जहां आप बेसिक से एडवांस तक की सभी चीज़ें सीख सकेंगे। अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड आपका नहीं रहा है, आप बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, सीए वगैरह नहीं किए हैं, तब भी आपका स्वागत है, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिक से चीज़ों को समझेंगे और सीखेंगे। यहाँ पर किसी भी कॉमर्स बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, हम किसी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को आसान तरीके से आसान भाषा में हम सीखेंगे। अभी आपको वीडियोस वगैरह बहुत आसानी से मिल जा रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियोज़ की भरमार है, लेकिन आज से 4 साल 5 साल पहले शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत कम वीडियोज़ थी। वीडियोज जो हैं वो किसी एक चैनल पर पूरा स्टेप बाय स्टेप या संगठित तरीके से नहीं मिलती हैं, क्योंकि किसी चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस मिल जाता है, किसी चैनल पर आपको फंडामेंटल एनालिसिस मिल जाता है, चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। लेकिन आज हम इस चैनल से एक आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं कि आज से इस चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो फुल कोर्स होगा शेयर मार्केट का। एक सीरीज होगी जो कई वीडियोस कई पार्ट में बनाई जाएगी, और वो पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप शेयर मार्केट और ट्रेडिंग का पूरा ज्ञान, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है उसको सीखने से पहले हम पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक नॉलेज पूरा हम उसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो उन सब चीज़ों की शुरुआत एक सीरीज से करते हैं, और इसलिए ये चैनल बनाया गया है, ठीक है। और आइए हम चलते हैं शेयर मार्केट, जो ये हमारी सीरीज है वो किस प्रकार से हम लोग उसको पढ़ेंगे क्रम बाई क्रम, उसका एक पूरा प्रारूप समझ लेते हैं कि कैसे कौन सी चीज हम पहले सीखेंगे, ठीक है। हमारा पूरा का पूरा कोर्स होगा जिसमें आप इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट सीखेंगे, जिसमें हम स्टॉक मार्केट के मतलब कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, किन सब चीजों पे, इसका विकास कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या है, इन सब छोटी छोटी चीजों को इसमें हम सीखेंगे, जानेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। जो बहुत बिगनर है, जिनका कोई भी लेना देना नहीं है स्टॉक मार्केट से, वो बहुत अच्छे से जान पाएंगे कि स्टॉक मार्केट मतलब शुरुआत कैसे होती है, कैसे धीरे धीरे ये बढ़ता है, और कैसे आज इसका जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। दूसरा आ जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। अब बेसिक कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट आ जाता है, ये इसमें हम सीखेंगे, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनमें मेन है आपका रेगुलेटर्स मतलब आप जानते होंगे सेबी जो है स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, और दूसरा है स्टॉक ब्रोकर्स कौन है, इनका क्या रोल होता है, इंडेक्स है, और जो है एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन एक्सचेंज है इंडिया में, कितने एक्सचेंज काम करते हैं, इनको हम जानेंगे। उसके बाद हम आते हैं तीसरा आईपीओ पे। लगभग सब लोगों को सिर्फ आईपीओ पता होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, लेकिन ओएफएस के बारे में ज़्यादातर लोग को नहीं पता होता, एफपीओ क्या होता है नहीं पता होता है, लेकिन इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये भी बीच बीच में कंपनी जो है ओएफएस और एफपीओ भी रिलीज करती हैं, लॉन्च अपना निकालती हैं, जिसे पब्लिक बाय करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का ट्रेडिंग में बहुत बड़ा रोल है इसका, जो है टेक्निकल एनालिसिस, मतलब समझिए कि बिना टेक्निकल के आप ट्रेडिंग अच्छे से सफल तरीके से नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो टेक्निकल सीखना बहुत जरूरी है। इसमें टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पैटर्न है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ब्रेकडाउन एंड ब्रेकआउट क्या होता है, ये सब चीज़ें हो सकता है आप जानते हो, और जो नए लोग हों वो नहीं भी जानते होंगे, तो उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये चीजें तय कर देती हैं कि हमें कहां पर ट्रेड लेना है और कहां पर उस एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन से बहुत सारे ट्रेड होते हैं प्राइस एक्शन से। उसके बाद पांचवा हमारा आ जाएगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब इसको आप लोग बहुत कम यूट्यूब पे आपको मिलेगा, क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एल्गोरिदम बहुत ही खतरनाक होता है, सॉरी खतरनाक नहीं कहेंगे, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, जल्दी लोग दूर इससे भागते हैं। एक ये एक गणित पर काम करता है, एक कैलकुलेशन पे काम करता है, जिसे हम लोग समझेंगे, विस्तार रूप से समझेंगे इसका बहुत। अगर आप ट्रेडिंग करते तो ये ट्रेडिंग में भी और इन्वेस्टमेंट में दोनों में इसका अच्छा रोल, अच्छा खासा रोल होता है कि कहाँ पर हमें बाई करना चाहिए, वो इंडिकेट करता है। और इनके अलावा हम बात करते हैं इंडिकेटर्स का, तो आज के ज़माने में इंडिकेटर्स अगर बोले ना तो इंडिकेटर्स लगभग 1000-2000 भी नहीं, हमको लगता है लगभग 4000 के आसपास इंडिकेटर्स होंगे। आप भी इंडिकेटर्स बना सकते हैं, चले जाइए चार्ट आईक्यू पर या तो ट्रेडिंग व्यू पर आप जाकर अपना चार्ट इंडिकेटर्स बना लीजिए। तो ऐसा बहुत सारे हैं लेकिन उनका बहुत रोल नहीं है। हम कुछ इंडिकेटर्स पढ़ेंगे जिनमें आरएसआई होगा और वीवैप होगा, चार पांच जो इम्पोर्टेंट है, 6-7 उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद चार्ट पैटर्न तो पहले ही हम देख चुके हैं। कैंडलस्टिक, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कैंडल। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेडिंग करते हैं, मतलब आप अगर 5 मिनट कैंडल, 3 मिनट कैंडल अगर इस पर अगर ट्रेडिंग करते हैं तो कैंडल स्टिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका रोल बहुत है। अगर और इसका अगर अच्छे से अगर कैंडल आप समझ दे तो एक कैंडल अपने आप में पूरा का पूरा एक घंटा आधे घंटे का नेक्स्ट मूव आपको बता देती है कि नेक्स्ट मूव क्या होगा। अगर आप अच्छे से कैंडल समझ सकते हैं तो ए सिंगल कैंडल बता देती है कि अगला आने वाला क्या होगा, बुलिश होगा, मार्केट की बेयरिश होगा, ये सारा चीजें एक कैंडल अगर अच्छे से समझ लिए तो आप ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसके बाद अगर ये सब पढ़ लेंगे तो हम चलेंगे अपने रियल वाले मुकाम पर, जैसे ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग कितने प्रकार का होता है, ट्रेडिंग इंट्राडे, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इन चारों चीजों को हम पढ़ेंगे। इसमें एक और आता है स्कैल्पिंग, इसका बड़ा रोल है। आजकल लोग बहुत ज्यादा इसके पीछे भाग रहे हैं, 10 मिनट 15 मिनट में 20 पॉइंट 30 पॉइंट पर प्रॉफिट बुक करना लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन बहुत खतरनाक भी है ये, और पैसा भी बनता है अगर इस पे आपकी पकड़ हो गई तो ट्रेडिंग में। और फ्यूचर एंड ऑप्शन, भाई सबका इम्पोर्टेंट चैप्टर, सबका बड़ा इसमें मजेदार है, ये सब लोग को इसमें मजा आता है क्योंकि बहुत छोटे समय में पैसा बनता भी है और पैसा जाता भी है। तो फ्यूचर में तो अच्छा खासा अमाउंट लगता है ट्रेड करने के लिए, लेकिन ऑप्शन में आप 5000-6000 से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, ऑप्शन करने से पहले नॉलेज रख लें, नहीं तो पैसा कब चला जाएगा पता नहीं चलता है आपको। तो ऑप्शन करने से पहले थोड़ा बहुत नॉलेज रखें। अब बात करेंगे ऑप्शन स्ट्रेटजी की। अब जैसे ऑप्शन में अगर घुस ही गए हैं तो स्ट्रेटजी क्या होती है, कैसे हम ऑप्शन को ट्रेड किया जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑप्शन के ग्रीक्स। आप ऑप्शन जब पढ़ेंगे आप उसमें हम बताएंगे ऑप्शन। अगर सिंपल सा समझिए कि अगर आज निफ्टी, अगर आज निफ्टी अगर 18000 पर ओपन होता है और आपने 18000 की कॉल बाई कर लिया, मान के चलिए इसका प्रीमियम आप 300 रुपये देते हैं, ठीक है, 300 रुपये पर 18000 की कॉल आपने बाई कर लिया, और ये पूरे दिन 18, 18, 100 फिर 18, 200 ऐसे करके फिर शाम को ये फिर 18000 पर आ करके अगर क्लोज हो जाता है तो समझिए कि आपका प्रीमियम जो होगा वो लगभग 275 के आसपास हो जाएगा। सोचिए
18,000 के पर खरीदा और 18,000 पर भी है अभी जो है मार्केट, लेकिन फिर भी आपका प्रीमियम ₹25 लेस हो गया। ये किस लिए, कैसे लेस हो गया? ये पूरा का पूरा ग्रीक इसमें काम करता है, पूरा ग्रीक काम करता है। इसमें कई सारे ग्रीक हैं, थीटा डेल्टा गामा सबको पढ़ेंगे अलग अलग से, सिंगल सिंगल पूरा का पूरा हम लोग उस पर एक वीडियोस बनाएंगे ग्रीक्स पे और उसको अच्छे तरीके से हम समझेंगे। फिर उसके बाद ऑप्शन चैन, ऑप्शन चैन स्टॉक मार्केट का सबसे पेचीदा मान सकते हैं कि बहुत पेचीदा चैप्टर होगा, लेकिन आपको इस तरीके से बताया जाएगा कि आपको मजा आएगा, सब लोग सीखेंगे ऑप्शन चैन बहुत ही आसान भाषा में और एक एक पहलू पर बात करेंगे। ऑप्शन चैन अगर आपको अच्छे से आ गया तो आपको बिना चार्ट देखे आप चाहेंगे तो ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑप्शन चैन को सिर्फ देख करके ट्रेडिंग करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। फिर सबका एक तरह से कह सकते हैं ये पापा है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसके बिना आप सब पढ़ लेंगे, अगर ये आपका सही नहीं रहेगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी, सब पैसा गवा देंगे, क्योंकि साइकोलॉजी 50% आपका नॉलेज और 50% आपकी साइकोलॉजी, दोनों काम करती है ट्रेडिंग में। अगर आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ है, आपकी स्किल अच्छी है साइकोलॉजी गड़बड़ है, तो आप पैसा ट्रेडिंग में नहीं कमा सकते, ये लिख लीजिए। तो ये हम ये डेवलप कैसे करेंगे, क्या चीजें करेंगे, इसके रूल्स पे हम बात करेंगे और इसको ट्रेडिंग साइकोलॉजी को हमें सीखने के लिए हमें बहुत बड़ा हमारा रोल होता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं सही है तो आप कभी ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी अच्छी नहीं हो सकती, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस तरीके से हमारा शेयर मार्केट का फुल कोर्स डिजाइन है, एक एक वीडियो आएंगी और उस वीडियो को एक एक वीडियो को जो ना समझ में आए उसको 2-3 बार 4 बार सीखिए, देखिए और सीखिए, नोट्स बनाइए। ये कम से कम 2-3 महीना जुड़े रहिए और अगर आज से देख रहे हैं यानी हफ्ते में 2 वीडियोज आएंगी तो या 1 वीडियोज आएंगी जब समय मिलेगा, तो अगर आप बाद में देख रहे हैं जब सारी वीडियोस आ गई हैं तो कृपया करके 1 दिन में 1 ही वीडियोस देखें, क्योंकि 1 दिन में 4 वीडियोस देखने से चीज़ें आपको और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, आसान नहीं पड़ेंगी। जल्दी के चक्कर में, कोर्स ख़त्म करने के चक्कर में ना पढ़ें, 1 वीडियोस को 3-4 बार उसको देखें और नोट्स बनाएं। ये अब आगे चलते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर का पहला वीडियो और इसमें हम जानेंगे कि शेयर बाजार क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है, मार्केट निवेश करना, शेयर मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा है। कुछ लोग बोलते हैं, बहुत ज़्यादातर लोग की एडवाइस होती है कि भैया शेयर मार्केट में ना जाओ, जुआ बाजार है, इसमें कौन कौन भाग ले सकता है उसके बारे में जानेंगे। कुछ लोग कहते हैं शेयर बाजार सट्टा बाजार है, इसके बारे में कुछ एग्जांपल देके सीखेंगे कि सट्टा बाजार है कि नहीं है और इसकी शुरुआत कहां से करें। तो इसकी शुरुआत कहां से करें, किताब से पढ़ें, किताब पढ़ के करें, वीडियो देख के करें। ऐसा नहीं है कि जाके तुरंत ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके अपना स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्ट, तो ऐसा नहीं है। पहले इसकी नॉलेज लीजिए, फिर उसके बाद जो है आप डीमैट अकाउंट ओपन कराएं, डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराएं। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे सबसे लास्ट में कि इसकी शुरुआत कैसे करें, मीन्स अगर आप पढ़ लिख लिए हैं तो इसका शुरुआत पहले इन्वेस्टमेंट से करें, कैसे करें, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक वीडियो स्पेशली इसी के लिए बनाई जाएगी कि स्टार्टिंग कैसे किया जाए। तो अभी फिलहाल हम देखेंगे कि शेयर बाजार क्या है, एक बेसिक सी इसकी डिफिनेशन देखते हैं, फिर एक प्रैक्टिकल इसको समझते हैं कि शेयर बाजार क्या है।
वैसे तो शेयर बाजार को एक ऐसा बाजार माना जाता है जहां पे शेयर खरीदे व बेचे जा सकते हैं, सिंपल सा, जैसे और सारे मार्केट होते हैं वैसे ही शेयर का भी एक मार्केट होता है जिसे शेयर मार्केट कहा जाता है। यहाँ पे जितने भी बायर एंड सेलर एक दूसरे से मिलते हैं, मोल भाव करते हैं, और उसके बाद अगर मोल भाव उन लोगों का पक्का हो जाता है तो खरीद बिक्री होती है। हाँ, एक चीज ये है कि पहले जो है 1992 से पहले जो खरीद बिक्री होती थी मौखिक बोलियां लगाकर होती थी, जैसे आपने गुरु मूवी में देखा होगा तो वहां पर जो खरीद बिक्री होती है वो एक दूसरे से खरीदने वाला बोली लगाता है, बेचने वाला बोली लगाता है, दोनों का सामंजस्य जब हो जाता है तो एक दूसरे का सौदा पक्का कर लेते हैं। तो पहले एक दूसरे को लोग जानते थे, पहचानते थे, तब मतलब खरीद बिक्री ऐसे होती थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलती गई, इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंप्यूटर और इंटरनेट आ गए, और एक्सचेंज में पूरा नेटवर्क से जुड़ गया, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटराइज्ड हो गया एक्सचेंज पूरी तरह से, इंटरनेट की सुविधा हो गई, तब से पूरा खरीदने और बेचने का काम पूरा ऑनलाइन होता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है, चाहे लैपटॉप हो या मोबाइल हो, दोनों से आप खरीद व बिक्री कर सकते हैं घर बैठे। आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपका बायर कौन है, आपका सेलर कौन है, मीन्स आप अगर सेल करना चाहते हैं, आप खरीदने से पहले भी सेल कर सकते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा अगर आप नए हैं तो। आप सेल भी कर सकते हैं, बिना बाई किए सेल भी कर सकते हैं। तो अगर आप बायर हैं या सेलर हैं, आप बिना किसी को जाने आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ये काम सारा का सारा काम एक्सचेंज करता है। ये जो है ये BSE है, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। ऐसे ही सेम NSE भी होता है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, तो वो भी सेम चीज है। वो दोनों में से कहीं भी कंपनी लिस्ट हो जाती है, ज्यादातर कंपनियां जो है NSE में भी लिस्ट होती है, BSE में भी लिस्ट होती है। तो ये एक उदाहरण है, जैसे ये Jio का ऑफिस है, ये अपना IPO लाता है और स्टॉक एक्सचेंज में अपना लिस्ट कराता है, और यहां से कोई भी कस्टमर, कोई भी रिटेलर जा करके उस स्टॉक को बाई करता है, फिर उसको जब सेल करेगा तो कोई दूसरा कस्टमर जो है उसको बाई कर लेगा। इसको पता नहीं चलेगा कि कौन इंसान ने इसका स्टॉक, जो इसने रिलायंस का स्टॉक खरीदा था, उसे कौन बाई किया है। ये सिर्फ और सिर्फ किसको पता होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज को पता होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं शेयर बाजार में। एक इसका सिंपल सा अगर ऐसे नॉर्मल लहजे में बात करें तो किसी कंपनी का मालिकाना हक जहां खरीदा व बेचा जाता है वो एक्सचेंज होता है, शेयर बाजार होता है, ठीक है। तो आइए इसके इतिहास के बारे में चलते हैं कि शेयर मार्केट का जन्म कैसे होता है, इसका इतिहास क्या है, इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो इसकी शुरुआत तो होती है 1840 ईस्वी में, एक मुंबई में टाउन हॉल नाम की एक जगह है जहां पर एक बरगद का पेड़ होता है, और वहीं पर 20 से 25 लोग मिल करके जो है अपना एक एसोसिएशन पहले नहीं बनता है, 20 से 25 लोग मिल करके अपना स्टार्ट करते हैं एक दूसरे से, फिर ऐसे धीरे धीरे लोग बढ़ते जाते हैं और फिर काफी संख्या हो जाती है। तो वो लोग मिल करके सोचते हैं 1875 में, सोचते हैं क्यों ना इसे एसोसिएशन का रूप दे दिया जाए, अब ज्यादा लोग हो जाते हैं। तो 1875 में एक एसोसिएशन का गठन होता है जिसका नाम होता है नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। अभी गवर्नमेंट इन पे नजर नहीं पड़ती है, ऐसे नॉर्मली ये चलता रहता है, फिर धीरे धीरे इनका और ग्रुप बड़ा हो जाता है, तो ये उसमें एंट्री फीस रख देते हैं, और वो एंट्री फीस 1 रुपये होती है, जो उस समय काफी मतलब काफी इसकी वैल्यू हुआ करती थी, तो नॉर्मल लोग नहीं जुड़ पाते थे इससे। फिर उसके बाद एक एसोसिएशन में 1 रुपये एंट्री फीस जब रख दी गई तो नॉर्मल लोगों के लिए इसमें जाना कठिन हो गया, तो इसमें मुख्य लोग जाते थे। तो गवर्नमेंट फिर इस पे गवर्नमेंट की नज़र पड़ी, तो उसे मतलब लगा कि नहीं, यहाँ पे तो रिटेलर को काफ़ी नुकसान हो जा रहा है, कुछ लोग मिल करके धोखाधड़ी करके अपना पैसा कमा रहे हैं और रिटेलर्स नुकसान खा रहा है। रिटेलर्स मतलब हम लोग, शेयर मार्केट की भाषा में रिटेलर्स
आम लोगों को बोला गया है। तो रिटेलर्स इसमें काफी उसको लॉस होता था और कुछ चंद लोगों को प्रॉफिट होता था। तो गवर्नमेंट जो है इसको कहती है ऐसा है कि अब एक सिक्योरिटी एक्ट लाती है 1957 में एक एक्ट लगती है, उसके तहत इस एसोसिएशन को रख दिया जाता है, जो कि बाद में जाके यही बीएससी बनता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो उसके तहत लाती है। फिर भी इसमें पारदर्शिता की कमी रहती है बहुत सारी। तो फिर 1957 में इस एक्ट के तहत लाती है, फिर लगभग 1992 में सेबी की शुरुआत हो जाती है, सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया की शुरुआत होती है। फिर उसके जब सेबी की स्थापना हो जाती है तब पारदर्शिता काफ़ी हद तक 99% जो है सुधार हो जाता है और लोग एक नियम दायरे के तहत काम करने लगते हैं। फिर उसके बाद 1986 में बीएससी की शुरुआत होती है, फिर 92 में हर्षद मेहता स्कैम जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ था 92 में, और मार्केट पूरी तरह से बीएससी क्रैश कर गया था। तो हमने शेयर बाजार के बारे में पढ़ा, इसकी शुरुआत कैसे हुई पढ़ा, और इसका इतिहास के बारे में जाना। अब बात करते हैं इसके जोखिम के बारे में। जोखिम के बारे में बात करते हैं और शेयर मार्केट सट्टा बाजार है कितना है इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए एक झलक देखते हैं सेंसेक्स का, जो अपने स्टार्टिंग से किस तरीके से ये इसका सफर रहा, जीरो से लेके 50,000 पॉइंट तक इसका सफर जो इसने कैसे तय किया देखते हैं। अब 1992 में ये जो है लगभग ये 5,000 ये टच कर लिया था, नहीं 3,000 के आसपास इसने 1992 के आसपास इसने टच किया हुआ था, तभी हर्षद मेहता स्कैम आ जाता है और एक अच्छा खासा गिरावट होती है। उसके बाद फिर से सेंसेक्स ऊपर चढ़ता है और फिर कंसोलिडेट मार्केट करता है, 3-4 साल मार्केट एक रेंज में रहता है और धीरे धीरे चीजें चलती रहती हैं। फिर 2000 में सेंसेक्स 5,000 पॉइंट क्रॉस कर लेता है। इस समय टेक्नोलॉजी बूम रहता है, आपने सुना होगा .com पीरियड रहता है ये 2002 तक, जब जो है टेक्नोलॉजीज कंपनी जितनी होती हैं उनका जो वो स्टॉक होता है काफ़ी ज़्यादा खरीदा जाता है, काफ़ी बूम रहता है उस समय 2002 तक, और टेक्नोलॉजी बूम कहा जाता है उस पीरियड को। उसके बाद से थोड़ा सा मार्केट डाउन जाता है और फिर उसके बाद एक वन साइडेड मूव देखने को मिलता है, बुलिश होता है मार्केट और 2008 तक मार्केट 20,000 टच कर लेता है। सोचिए उस समय अगर लेमन ब्रदर का अगर वो क्राइसिस वो घोटाला नहीं हुआ था, स्कैम नहीं हुआ होता तो मार्केट कहाँ जाता। लेकिन उसी समय जो है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, जब अमेरिका का इकोनॉमी क्रैश होता है तो पूरे पूरे वर्ल्ड पे इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। और सोचिए जो मार्केट 20,000 पे रहता है वो लगभग 10,000 के करीब आ जाता है, मतलब आधा 50% मार्केट गिर जाता है। और उसके बाद फिर एक बार मार्केट जो है वो बुलिश होता है और धीरे धीरे 20,000 को टच करता है और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट लेता है, फिर मार्केट जो है ऊपर जाता है, लगभग ये टच कर लेता है 30,000 के आसपास, फिर लगभग 2015 में फिर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेता है और मार्केट वन तरफा मूड आता है, अप्स एंड डाउन होता रहता है। फिर सेंसेक्स जो है लगभग 40,000 क्रॉस करता है 2019 में और आज के समय 2021 में 50,000 पे है। तो सेंसेक्स की जर्नी आप देख रहे हैं कितना उतार एवं चढ़ाव रहा है इसकी जर्नी में। तो देखिए जो शेयर मार्केट है ना उसमें अगर आप एक साल के लिए अगर कोई भी स्टॉक एक साल के लिए दो साल के लिए अगर
लगाते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा रिस्की होता है, ठीक है। लेकिन अगर वही 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर 10 ईयर लंबा अगर आप जाते हैं इन्वेस्टमेंट में, तो एक अच्छा खासा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। आपके सामने कई उदाहरण है, आपके सामने सेंसेक्स ही है। अगर आप इंडेक्स में ही पैसा लगा दीजिए, छोड़िए स्टॉक को, इंडेक्स में पैसा लगाइए, जितने इंडेक्स हैं। इंडेक्स में देखिए, मार्केट बहुत बार बहुत बड़े बड़े क्राइसिस हुए, लेकिन फिर भी मार्केट उठा ना। अगर यही 2008 वाला मार्केट इतना बड़ा 50% का मतलब 50% मार्केट डाउन हो गया था, लेकिन फिर भी ये उठा। ऐसा नहीं है कि उसके बाद उठा ही नहीं मार्केट, मार्केट उठेगा लेकिन टाइम लगेगा। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जो बैंक से काफी हद तक बेहतर होगा। आज जो है कोई भी पैसा अगर आप बैंक में जमा करते हैं तो कम से कम 10 साल में वो दुगुना होता है। यहां पे आप अगर किसी अच्छे कंपनी को देख करके, उसके बैलेंस शीट को देख करके, उसके ईयरली रिटर्न को देख करके, उसके प्रॉफिट को देख करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मतलब बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको 4 से 5 साल में ही पैसा डबल हो जाए आपका। लेकिन रिसर्च करना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि पहले आप अपना बेसिक कंप्लीट करिए, बेसिक नॉलेज लीजिए। आप फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए कि पीई रेशियो क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, इसका पीएनएल रिपोर्ट ईयरली तिमाही क्या है, इसका ग्रोथ कितना रहा है, इसकी इस कंपनी की वैल्यूएशन कितना डेप्थ है इस कंपनी पे, इसका एसेट कितना है, एसेट से ज्यादा कहीं इसका मतलब इसकी फेस वैल्यू क्या है। इन सब सारे चीजों को अगर आप समझे रहेंगे ना, तो आपको किसी कंपनी, अच्छी कंपनी चूज करने में आपको बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं पड़ेगा करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारी अच्छी कंपनियां होती हैं, लेकिन उनका जो वैल्यू होता है, उनके शेयर की वैल्यू होनी चाहिए 1000, लेकिन इस समय वो चल रही है 2000 पे, तो कहीं ना कहीं घातक है। भले अच्छी कंपनी हो, लेकिन वो अपनी अपनी फेस वैल्यू से काफी हद तक ज्यादा है। तो इन सब चीजों से बचेंगे तो एकदम सेफ जोन में थोड़ा खेलना होगा, तो रिटर्न कम मिलेगा, इतना जानिए। तो हम बात कर रहे हैं कि ये जोखिम कितना है। तो जोखिम आपके सामने है, जोखिम है लेकिन थोड़े पीरियड के लिए। अगर आप 1 साल 2 साल के लिए अगर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ भी चीजें होती हैं, घटित होती हैं, तो उसमें मार्केट क्रैश कर जाएगा तो नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के रहेगा तो भले ही क्रैश होगा लेकिन फिर उठ जाएगा मार्केट। जैसे अभी आप 2019-20 में ही कोरोना वाला पीरियड देख लीजिए, मार्केट पूरी तरह से लगभग 60-40% लगभग डाउन हो गया था कोविड वाला, तो चीजें, लेकिन फिर उठा ना मार्केट। 19 में मार्केट डाउन हुआ, आज 21 है अपने ऊपर, उसके 40 लगभग 42-43 हजार पे मार्केट था, क्रैश हुआ था, आज 50,000 पे है। तो चीजें लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन है शेयर मार्केट, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हाँ थोड़ा दिक्कत है। लेकिन शॉर्ट टर्म में भी अगर आप अच्छे एनालिसिस करके, एक अच्छी एनालिसिस करके कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें भी आपका पैसा नहीं जाएगा। एक अच्छे स्टॉप लॉस लगा करके अगर आप अगर अच्छे स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में उतरते हैं, उसको उसके बारे में पूरा रिसर्च करके अगर आप मार्केट में उतरते हैं, तो नो डाउट आपको अच्छा ही प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन हाँ, पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, उदाहरण इसके और आपको हम दिखा देते हैं, और कंपनीज के जो जान पहचान की कंपनी है, जैसे रिलायंस है, HDFC है। आइए HDFC का देखते हैं। वो HDFC बैंक है, HDFC बैंक का आप देख लीजिए। देखिए 2006 में इसका क्या कहा था 2006 में, फिर ये कंटिन्यू बढ़ा ना मार्केट, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, फिर आया। अब सिंपल से देखिए, 2013 में 300 रुपए था, 2013 में इसकी वैल्यू 300 थी, और आज 1628 रुपए आज के दिन ट्रेड कर रहा है, मतलब लगभग लगभग 3 गुना से ज्यादा। अगर 2013 आज कितना दिन हुआ, लगभग लगभग 10 साल में 3 गुना कहां मिलेगा भाई, कौन सा बैंक देगा आपको इतना रिटर्न।
अगर अगर ये वाला देखिए 2000 लगभग ये कब है, 2020 में मार्केट क्रैश हुआ था ये कोविड वाला, मार्केट नीचे गया लेकिन फिर ये आगे बढ़ा फिर। तो लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं बहुत बेहतर है, लेकिन हाँ कंपनी कौन सी होगी, कौन सी कंपनी आप चूज कर रहे हैं ये डिपेंड करता है आप पे। और एक आक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का देखिए 2011 में 430 था, 430 है, और जो है आज इसका 2700, मतलब मान के चलिए कि कितना गुना होगा, लगभग 6 गुना के आसपास, 6 गुना। सोचिए क्या रिटर्न दिया है कंपनी ने, कोई इंसान अगर, और कितने दिन में, 11 से लगभग 12 साल में अगर आपको 6 गुना रिटर्न मिलता है, गड़बड़ है। कौन सा बैंक देगा, कौन सा प्रॉपर्टी आपकी देगी, प्रॉपर्टी कौन सा 6 गुना हो जाएगी, कौन सी प्रॉपर्टी खरीद लेंगे वो 6 गुना हो जाएगी, बहुत कम। जहां कोई मार्केट अगर कोई अच्छा वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट हो गया तो हो जाएगा, नहीं तो ऐसे नॉर्मली नहीं होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे रिसर्च करके कोई चीज अगर ढंग से अगर पढ़ करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नो डाउट शेयर मार्केट अच्छा खासा रिटर्न दे देता है। ऐसे आपके सामने एक उदाहरण और है, ये है, ये कंपनी है SBI की, SBI है 2008 में 100 रुपये होती है, आज 613 रुपये, 6 गुना। तो रिटर्न है, ऐसा नहीं है रिटर्न नहीं है, लेकिन लोग जो है ना, जैसे क्या है कि ज्यादा पैसा के चक्कर में अब शेयर मार्केट में आते ही लोगों को क्या चाहिए, लोगों को चाहिए कि एक साल है, एक साल में पैसा डबल हो जाए, मतलब यही खरीदे 100 रुपया, ये चाह रहे हैं कि नहीं आज ही ये 200 हो जाए एक साल के अंदर, तो ऐसा नहीं होता है। और उसी में लोग परेशान हो जाए, अरे छोड़िए ना उसको, 2-3 साल 4 साल 5 साल छोड़िए, देखिए हाँ कितना भी नहीं तो आपको प्रॉफिट ही देके जाएगी, लेकिन उतना धैर्य ही नहीं होता है लोगों को। अभी आप ही अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी भी कंपनी में, एक साल के अंदर उसे सेल कर देंगे, 20% 25% का प्रॉफिट मिलेगा, सेल कर देंगे, और लॉस जाएगा तो रुके रहेंगे, चलता जाएगा, नहीं आज बढ़ेगा कल बढ़ेगा कल परसों बढ़ेगा, लेकिन प्रॉफिट अगर 15% मिला, नहीं बेच दो, सेल कर दो, मार्केट गिर जाएगा। आदमी प्रॉफिट तो लेना ही नहीं जानता है, लेना खूब जानता है, लेकिन प्रॉफिट 15% उसको हजमे नहीं होता है, नहीं 15% बहुत ज्यादा हो गया, 20% बहुत ज्यादा हो गया, भाई छोड़ दो, दो साल छोड़ दो, 5 साल छोड़ दो, हो सकता है पैसा दोगुना हो जाए। यही बेच के शेयर दूसरे में जाते हैं, दूसरे में पता चला 15% लॉस हो गया, सब बराबर हो गया ना, सब बराबर। तो समय दीजिए शेयर मार्केट को, आप समय देंगे वो आपको पैसा देगा, शेयर मार्केट टाइम का पैसा देता है, ठीक है। तो जल्दबाजी में काम करेंगे तो लॉस तो होगा, जल्दबाजी में चीजें गड़बड़ होती हैं, जल्दी से जल्दी पैसा कमाने के चक्कर तो आप ये आप समझ भी गए होंगे कि शेयर मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट ही होगा, और एक अच्छा खासा अमाउंट आप प्रॉफिट करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी, और मिलते हैं अगले वीडियो में और डिस्कशन करेंगे अगले चैप्टर के बारे में जो हमने बताए थे आपसे। अगला चैप्टर होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटर्स, स्टॉक ब्रोकर्स, स्टॉक मार्केट इंडेक्स वगैरह वगैरह को, और ये खास अच्छा खासा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि पहला वीडियो ये था इसलिए हमने सिर्फ वह इंट्रो दिया, और अगला जो चैप्टर होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, उससे काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो अगला वीडियो को मिस ना करिए, और वो जल्द ही वीडियो आ जाएगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।